भाई असली काम तो डिस्क ब्रेक ही करते हैं मार्च। ओ वाह, अरे फौज बंद ना करी से। अबे यार देखो भाई, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई लोगों कैसे आप सब? हाँ तो गाइस, भैया ये लाया मैं छोटी सी इलेक्ट्रिक स्कूटी, तो उससे मेरा क्या फायदा? वैसे कहा छोटी सी भाई नहीं लगती देखने में, पूरी पूरी लगती है। देखो भाई सब, मतलब भाई अलग ही लोग है जो बात है भाई। ये हमारे कैमरा मैन फौजी भाई, देखो भाई सबको बिल्कुल क्लियर साफ कर दूं भाई, ये किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं है, बिल्कुल साफ गाइस मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल गाइस कोई प्रमोशन नहीं है। आपको भाई जो अच्छे लगेगा, जिसके फीचर आपको ठीक लगे, सूटेबल लगे आपके हिसाब से, गाइस आप प्लीज दोस्तों वो ही ले। भाई मैंने क्यों ली है वो गाइस मैं आपको इस वीडियो बताऊंगा, कितने के लिए गाइस ये बताने की कोशिश करूंगा, कुछ नहीं गाइस बता दूंगा। देखो भाई से पहले आप इसका लुक देखो भाई, देखो क्या खतरनाक लुक है। देखो भाई भाई ये काफी भारी लगती है ऐसे भाई, हल्की फुल्की तो नहीं भाई, और भाई इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। तो भाई पहले मैं आपको इसका ऑडोमीटर दिखा देता हूं। देखो भाई साहब, इसमें गाइस फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड है। देखो भाई साहब ये है मोड वाला स्विच, फर्स्ट मोड वगैरह चलती है 25, सेकंड पकड़ते हैं 35, और भाई थर्ड पकड़ते हैं भाई साहब 45, यानी गाइस 45 भाई इसके अंदर स्पीड है गाइस, जो कि बहुत ही ज्यादा भाई साहब मजा ही आ जाता है, इतनी तेज चलते भाई। आपने देखा ना भाई कैसे मैं स्पीड पाया, और भाई साहब लाइट काफी मस्त है, और भाई इसके अंदर वेट है 80 kg वेट है। हाँ भाई साहब, भाई एक बार आपको इसके थोड़े से फंक्शन दिखाता हूँ। तो भाई ये रहा इसका ऑडोमीटर, देखो पहले बंद करता हूँ, कितनी किलोमीटर का इसी मैंने चला दी है, ठीक है यहाँ से ऑन करते हैं। देखो भाई साहब यहाँ पर आएगा, हाँ 60 volt बैटरी का है, और वैसे 84 kilometers 84 kilometers का इसी मैंने चला दिया है। वैसे अगर देखा जाए तो भाई ये मैं 30 दिन वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब पापा दे ही नहीं रहे थे, क्योंकि इसे पापा को गिफ्ट की गई है। तो भैया जब से ये भाई साहब पेट्रोल की जरूरत पड़ी नहीं भाई, हम गाइस बाइक में तेल डलवा ही नहीं रहे भाई साहब, बिल्कुल भाई साहब खत्म बाइक। भाई 3 दिन से ऐसी खड़ी है, और भाई पूरे दिन चलती है, और भाई मतलब 30-40 kilometers की रेंज गाइस हमारी है, मतलब 30-40 kilometers से ऊपर गाइस हम जाते नहीं है, और भाई वैसे 50 का आराम से एवरेज दे देती है, मतलब की एवरेज कहेंगे क्या कहेंगे रेंज 50 kilometers गाइस ये रेंज दे देती है एक चार्ज पर, और अगर भाई दो जने बैठो तो 40 का एवरेज दे देती है रेंज गाइस। फिर मैं एवरेज कर रहा हूँ भाई, इसके थोड़े से की फंक्शन जान लेते हैं, की फीचर्स। इस आई थिंक सेंट्रल लॉकिंग कहते हैं, देखो और अगर फौजी भाई चलाना जरा ऐसे, देखो चलाएंगे फौजी भाई, तो भाई चलाएंगे ना, देखो भाई इसका पंजो पहले तो गाइस जैम हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल जैम नहीं होता, चलता है, चलाओ बैठ के आगे चलाओ, ऐसे खींच के ले जाओ, जो तो कोई ले जाएगा ना भाई चांस। देखो होगी तो भाई बस 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 खड़ी कर दो, ठीक है। तो भैया एक तो फंक्शन ही हो गया, थोड़ा सेफ्टी फीचर है भाई साहब, ठीक है, और भाई दूसरा फंक्शन क्या है इसमें भाई साहब, हैंडल लॉक है। तो भाई देखो ये भैया इसका हैंडल लॉक हो ही गया है, तो गाइस ये भी इसका सेफ्टी फीचर है। अभी भाई इसके अंदर बैटरी है भाई, सुबह से लगभग ये 28-30 kilometers भाई चल गई है, अभी भाई इसके अंदर कितनी बैटरी बच रही है भाई। तो भाई बैटरी गाइस फुल दिखा रहा है, लेकिन भाई ये फुल नहीं चलाते ना, थोड़ा रेस देते गाइस एक सेल डाउन हो जाता है। तो भाई हमने इसे अभी तक डाउन नहीं किए पूरी तरीके से, क्योंकि गाइस हम एक सेल होने पर चार्ज पे लगाते हैं, और गाइस आराम से 40-45 का एवरेज दे देती है। तो भाई एक आधे मैंने चार्ज नहीं किया ना, गाइस 2 दिन से लगातार हम चार्ज करके चला रहे हैं, ठीक है भाई। इसका मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ, ठीक है। ओ बूट स्पेस गाइस यहीं से लेगा, आई थिंक इसे बूट स्पेस कहते हैं, गद्दे के नीचे जो भी है, ठीक है भाई। आते देखो ये रहा सारे फंक्शन गाइस अवेलेबल यहाँ, ठीक है भैया। यहाँ पर देखो भाई पन्नी भी नहीं उतारे गाइस हमने, क्योंकि हम इंडियन लोग हैं भाई साहब, देखो ठीक है। और यहाँ पर गाइस बैटरी है, हाँ यहाँ पे देखो MCB भी है, ठीक है। हाँ तो भाई अब आते हैं कौन सी बैटरी ऑप्शन में गाइस मैंने लिया भाई, ये लीड एसिड बैटरी में 60 volt 60 volt गाइस, इसमें 32 ampere की मुझे बैटरी मिली है। इस तरह गाइस ये रेंज काफी अच्छी देती है, कंपनी देती है 28 के लिए भाई, तो मैंने 32 के लिए, देखो साफ बता दो मैंने, मतलब क्यों कह दी थी पहले भाई कि मैं 32 ampere तक नीचे की नहीं लूंगा, तो उन्होंने 32 ampere की इसमें बैटरी लगा दी है 5 60 volt। देखो भाई मेरा मानना भाई से है, या तो भाई साहब लो थोड़ी हाई रेंज की, या भाई अगर लोकल लेनी है तो भाई फिर सस्ते में ही लो। तो गाइस सब पैसे बताऊं तो गाइस मेरे को 50,000 की पड़ी है, हाँ 1-2 हज़ार आई थिंक पापा ने कम करा दी, 48-49 के गाइस मेरे को पड़ी है, तो काफी सस्ता चीज है यार, 50,000 में भाई क्या लोगे बताओ भाई, मतलब क्या लोगे। 2 साल गाइस इसकी बैटरी चलेंगी, 2 साल बाद भाई साहब 4,000 इसकी बैटरी चली जाएंगी रिप्लेस होकर, नई बैटरी 12-13 हज़ार रुपए गाइस ओनली लगने वाले हैं, दिन का 50 किलोमीटर चल जाती है मस्त भाई साहब, मजा आता है, पूरे दिन चलाते हैं, पूरे घर वाले चलाते हैं, बाइक वाइक इसको झंझट नहीं, ठीक है, क्योंकि भाई साहब ऐसा मेरे पास साइकिल भी है, लेकिन भाई साइकिल में दिक्कत भाई साहब ये है कि भाई साइकिल साइकिल है, उस पर गाइस हम सामान नहीं ला सकते। इसमें गाइस काफी देखो भाई साहब, तो कितना स्पेस है देखो भाई साहब, मतलब भाई जो एक्टिव है उससे भी ज्यादा, जुपिटर उससे भी ज्यादा इसमें स्पेस है, देखो भाई साहब ठीक। और गाइस चाबी अपने देख लिए, थोड़ा सेफ्टी फीचर है, और फौज भाई दिखा रहे, देखो भाई साहब यहाँ पे काफी गहरी गहरी खाई भी है, देखो भाई यहाँ पे फौज भाई ब्लेड पड़ा है, सुबह का इसमें ब्लेड लगाया था ना ब्लेड, हाँ यहाँ पे गाइस देखो ये ब्लेड का पैकेट पड़ा था, यहाँ पे स्पेस है ना, और भाई यहाँ पर आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो, करता था कोई नहीं, लेकिन गाइस यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दे दिया है, और भाई आप इसका डिजाइन, ठीक है भाई
ठीक है, मतलब मस्त लगी जो बात है। तो चले भाई आपको एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव दिलवाता हूँ कि गाइस ये पहले दूसरे तीसरे मोड पर कैसे चलती है। और भाई मैं अकेला नहीं बैठूंगा, दो जने गाइस बैठेंगे, कैमरा पकड़ने वाले भैया है मेरे फौजी भाई, तो भाई ये पकड़ेंगे पीछे बैठ के कैमरा। और भाई यकीन माने भाई साहब ये लोड नहीं मानती, हम गाइस दो जने ही घूमते हैं, प्लस गाइस बच्चे भी हो जाते हैं एक दो भाई इस पर, तो लगभग देखा जाए तो भाई लगभग 170-180 के जगह वेट हो जाए तो भाई 70-72 तो मेरे अंदर ही है, 60-65 करीब भाई के अंदर भी है, और दो बच्चे 15-20 किलो के बच्चे भाई से झूल जाते हैं, और भाई से भी लोड नहीं मारती, तब भी गाइस ये 25-35-45 तक आराम से पहुंच जाती है। ऐसी बात नहीं कि भाई साहब हम तीन जने दो जने बैठे कि भाई इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ना भाई साहब स्पीड कम इसकी नहीं होगी। और भाई से एक बात और मैं आपको टेस्ट ड्राइव से पहले एक बात और बता दूं, भाई साहब मैंने ली क्यों है, मैं ओला ले सकता था, टीवीएस की आती है ना IQ, आई थिंक उसे भी ले सकता था। तो भाई साहब मैंने ये इसलिए ली है क्योंकि भाई साहब देखो किसी भी तरह का इंश्योरेंस या बीमा इसका नहीं कराना, बाइक कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, हेलमेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, साइकिल भाई है दिखने भाई साहब स्कूटर है गाइस अंदर साइकिल, ठीक है गाइस हम अंदर से इंडियन है, हम बाहर से इंडियन है, ऐसी बात नहीं है, मतलब भाई अंदर साइकिल है और बाहर से गाइस ये स्कूटी है, तो गाइस ऐसा मस्त समझ रहा भाई साहब इसमें रिक्वायरमेंट है ना भाई। गाइस मैंने ओला बुक कराई थी, आपको पता होगी शायद मैंने पिछले वालों को बताया था भाई मैंने ओला बुक कराई थी ओला एयर, तो गाइस वो मुझे समझे 1,30,000 की पड़ रही थी, अब तो उसके प्राइस 10,000 कम कर दिए उन्होंने, तो भाई वो मैंने कैंसिल कराई क्योंकि गाइस ओला की सर्विस इतनी गंदी है भाई साहब, लोग तोड़ रहे हैं भाई साहब, प्लस भाई साहब इतनी सर्विस गंदी है, दो दो तीन तीन महीने गाइस सर्विस सेंटर भाई साहब पड़ी है, इसे भाई साहब मैं खुद ही ठीक कर लूंगा, मैं मान के चल लूंगा इस लोकल है, लेकिन भाई साहब कोई भी खराबी हुई मैं ठीक कर लूंगा, बाई चांस अगर कोई ज्यादा दिक्कत हुई तो मैं शोरूम वाले से कॉन्टेक्ट कर लूंगा, पार्ट्स मंगा के दे देंगे वही लगा के देंगे, इसमें कोई ज्यादा पार्ट्स नहीं भाई, ये स्मार्ट स्कूटर नहीं है कि भाई चल चलते बंद होगी, जो गाइस के शॉक अब्सॉर्बर है ना देखो शॉकर जो भाई साहब इतनी स्मूथ है भाई साहब, बिल्कुल भाई इसमें धचकी लगती नहीं भाई, यकीन मानिए बंदा आराम से जंप करता रहता भाई साहब मस्त। देखो भाई लोकल में यार झंझट नहीं चाहिए गाइस, मैं पप्पा को किसी झंझट में नहीं डालना चाहता, यार आप एक बात बताओ कि लोकल में आदमी हेलमेट वगैरह वैसे पहनना चाहिए भाई, काफी लोग कहेंगे समर ऐसा मत बोल, देखो भाई यार अंदर से जो ना आदमी यार इंच तो बहुत बचता है, तो भाई 20-25 की स्पीड पर चलाएंगे, मेरे पप्पा बहुत कम स्पीड पर चलाते हैं, तो भाई मतलब वो अगर पकड़ जाएंगे ना हेलमेट क्यों नहीं पहनने का, इसका डॉक्यूमेंट दिखाओ प्रदूषण दिखाओ, तो भाई उससे भाई ये बच जाता है, इसमें भाई कुछ नहीं है साइकिल भाई, ये बच्चा भी लेगा इसको चला लेगा, और भाई लुक भी अच्छा, और भाई देखो आगे भाई डिस्क ब्रेक है देख रहे हो मस्त भाई साहब, मतलब मेरे को भाई इसका लुक काफ़ी अच्छा लगा। चलो भाई साहब मैं थोड़ा सा आपको चला के दिखाता हूँ कि कितने लिए पकड़ते भाई स्पीड ये, देखो भाई मस्त 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 बॉस, देखो भाई यहाँ पे 30 पर चल रही है, तो भाई 45 की स्पीड थी, बहुत जल्दी स्पीड पकड़ती है। तो भाई साहब ये रहा पहला मोड, यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा पहला, ठीक है मैं चलाता हूँ यहाँ से, तो भाई देखते हैं कितना आगे तक जाएगी। और गाइस हम दो जने यहाँ पर भाई बैठे हैं, और गाइस देखो बैटरी भी लो है, सुबह से चले देखो 25 भाई ऊपर नहीं जाएगी, आई होप आपको चमक रही होगी 25, ठीक है दूसरा मोड डालना है, देखो ओहो ये तो ओहो, देखो भाई दूसरा मोड आ गया और भाई जाएगी 35 तक 35 तक, वाओ मजा आओ, और भाई साहब तीसरा मोड डाल दो ये जाएगी भाई साहब सीधा 45 तक, ओ यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी भाई क्योंकि यहाँ पे खत्म है मामला, आगे चलना पड़ेगा। तो भाई अब डालते हैं तीसरा मोड और गाइस यहाँ से प्ले करते हैं, देखो भाई स्पीड बहुत जल्दी पकड़ते हैं, इसके गाइस बैटरी थोड़ी वीक है, और भाई हम दो जने बैठे हैं, दो पर्सन वाइज हम बैठे हैं, फिर भी गाइस आराम से भाई 45 तक जानी चाहिए, लो भाई साहब पहुँच गई 45 तक जा रही है गाइस, तो टॉक अच्छा है, और भाई इसके अंदर हब मोटर है, देखो भाई साहब ये हब मोटर है, यहाँ पे गाइस इसके अंदर बैटरी है, ठीक है, और गाइस यहाँ पे नंबर प्लेट लग रही है, और काफ़ी लोग कहने भैया समर व्लॉग या समर एक्सपे लिखा ले भैया, ना ऐसा काम नहीं करते यार, और भैया इसका साइलेंसर नहीं है आपको कहेंगे समर साइलेंसर का है ही नहीं, ठीक है पेट्रोल इसमें डलता नहीं है, यहाँ पे गाइस दे रखा है ये लेडीज़ों के लिए, ठीक है हमारी मम्मा बैठ जाती है, भाई हमारी मम्मा का जो वेट है वो 90-100 किलो है, थोड़ी पतली ज़्यादा हमारी मम्मा, तो भाई पप्पा के अंदर भी होगा 60-70 kg वेट, तो भैया आराम से भाई वो दोनों बैठ कर चले जाते हैं, ठीक है, और गाइस देखो ये भाई साहब ऐसे देखो हटक जाएंगे, और भाई ये बटन से खोलते हैं, ये बड़े ऑप्शन दे रखा, एक स्कूटी देखी तो यहाँ पर रखने पड़ते हैं, नहीं भाई ये होना चाहिए अलग से, वह यहाँ पर देखो साइड वाला स्टैंड है, और गाइस इसमें सेंसर लग रहा है पार्किंग वाला, ठीक है सही है सेफ्टी फीचर, भाई देखो इसमें डबल वाला भी है, डबल स्टैंड भी है, ठीक है यहाँ पर इसकी ब्रेक लाइट है, और भाई यहाँ पर ड्रम ब्रेक है, ठीक है, और भाई साहब आ गए इसमें डिस्क ब्रेक, जो गाइस मेरे फेवरेट है भाई, असली काम तो डिस्क ब्रेक ही करते हैं, लेकिन मान भाई वाह, अरे फौज बंद ना करी से, अबे यार देखो भाई लाइव एक्सीडेंट लगी, ओए स्क्रैच पड़ गई लाइव, चलो आज पप्पा गोली मार देंगे मेरे को, अरे ऐसे बंद करनी चाहिए थी यार, बड़ी सरदर्दी है, देखो भाई साहब ये भी होता है, देखो भाई साहब मैंने कहा था ना कि भाई इसमें पार्किंग ऑप्शन है, देखो भाई यहाँ पे देखो पी लिखा, चलेगी नहीं इसे दबाना पड़ेगा तब चलेगी,
ओके खड़े करने गाइस पी दबाना पड़ेगा, लेकिन गाइस ये हो नहीं, खैर कोई बात नहीं। तो गाइस आइस में टीका लग चुका है भाई से और इसका जो टायर आई थिंक वो 12 इंच वाला है रिम का। यहाँ पे गाइस कुछ स्क्रैच लाई पड़े, वो फौजी भाई कहाँ का पड़ी है देखो, यहाँ से पड़ी है और भाई यहाँ पे स्क्रैच पड़ी। चलो भाई ये हम कर देंगे ब्लैक कलर, पता भी नहीं लगेगी। मैं कह रहा था पप्पा से इसमें गार्ड लगवा लो, गार्ड लगवा लो, उन्होंने कहीं नहीं बुरी लगेगी, वेट ज़्यादा हो जाएगा। मैंने कहा इसका गार्ड आता है ठीक है, तो भाई उससे बच जाती। हाँ तो भाई यहाँ पर मैंने ठीक कर दिया है, देखो भाई यहाँ से तो भाई चमक ना बिल्कुल ख़त्म, देखो ठीक है। और भाई ये देख कुछ पेंट के डिब्बे देखो, वैसे यहाँ पर आए थे कुछ, देखो पता ही नहीं लगी कि बस गया, ये बिल्कुल ठीक है, कोई सा भी नहीं टूटा गाइस ठीक है। बस गाइस यहाँ पर थोड़ी स्क्रैच हुआ, यहाँ पर स्टिकर है ना ग्राफिक्स है, इस पर बिल्कुल जो मैंने कर दिया, जब ये थोड़ा साफ होता है तो ये सब मैचिंग हो जाएगी, बेफिक्र रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके भाई ने संभाल लिया मोर्चा, तो भैया आपके भाई ने ठीक कर दिया ठीक है। और भाई कोई सा स्कूटी बाइक ले आओ कार ले आओ, जब वो ठुकेगी भाई वो लगेगी लगेगी, ऐसी कोई भाई साहब बाइक कार स्कूटर नहीं बनी है तो ठुक जाए और उस पर स्क्रैच तक ना है। इस पर खैर हल्की हल्की स्क्रैच पड़ी है, तो भाई मैं सोच रहा भाई बहुत हल्की है, प्लास्टिक बॉडी भाई सब एक्टिव ले लो, जुपिटर ले लो, फ्रेंड सबको प्लास्टिक में, और 50,000 में गाइस आपको मैं एयरप्लेन दिलवा दूं मजाक कर रहा हूँ। तो गाइस आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा दोस्तों, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और भाई आपने देखा किस तरह से गाइस हमने गिराई है बहुत ही फास्ट स्पीड से रेस दी थी मैंने वो बाकी, तो भैया प्लीज इसे छोटे बच्चे को चलाने को ना दें, सेफ्टी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय, आज पापा कोट देंगे मेरे को पकड़ के।